हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम और टॉपिक है हमारा गति के नियम। जो हम गति के नियम पर कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आज हम आपके लिए आए हैं और हमारा टॉपिक है रॉकेट नोदन। मैंने आपको बोला था, यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि रॉकेट को मैं एक अलग स्पेशल वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जब हम मोशन ऑफ सैटेलाइट मतलब उपग्रहों की गति पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा यूज़ होगा। तो आज मैं रॉकेट के कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ और उसके गणितीय गणना अपन देखेंगे, ठीक है। तो रॉकेट नोदन, सबसे पहले अपन देखते हैं कि रॉकेट नोदन, इंग्लिश में बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्शन क्या है। तो रॉकेट प्रोपल्शन या रॉकेट नोदन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले तो ये बता दूं कि रॉकेट है क्या, रॉकेट किस काम आता है, किस पर्पस के लिए अपन रॉकेट बनाते हैं। तो एक्चुअल में रॉकेट क्या है, लॉन्च व्हीकल है। दैट मीन्स हम रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट को उसके ऑर्बिटल में, अर्थ के चारों और उसके ऑर्बिटल में उसको सेट करते हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि रॉकेट और स्पेस शटल दोनों को एक जैसा चीज़ समझते हैं। तो आप ध्यान रखना, रॉकेट को हम अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते। रॉकेट तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है और वह क्या करता है, सैटेलाइट को अपने ऑर्बिटल पर स्थापित करता है। लेकिन स्पेस शटल से हम जीरो स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, जैसे हम किसी दूसरे ग्रह में जाते हैं, मंगल में जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं स्पेस से बाहर, तो स्पेस शटल यूज़ किया जाता है। तो रॉकेट स्पेस शटल का रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस शटल में साइंटिस्ट बैठ के अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स, और वापस अर्थ में वापस आते हैं। लेकिन रॉकेट का अभी तक फ्यूचर में सर प्लानिंग है, लेकिन रॉकेट का अभी तक रीयूज़ नहीं होता। मतलब एक बार रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो रॉकेट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते जाता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस तरह से होता है, मैं आपको थोड़ा सा रॉकेट का पहले जानकारी दे दूं कि सपोज ये अर्थ है और यहाँ से किसी रॉकेट को सपोज इस प्रकार से छोड़ा जाता है अर्थ से, तो मल्टी स्टेज रॉकेट यूज़ किया जाता है, जनरली फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। आज के डेट में बेसिकली रॉकेट हम टू टाइप्स के यूज़ करते हैं, एक होता है PSLV, नाम आप लोग सुनते होंगे, और सेकंड इज GSLV। देखो रॉकेट टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में जो इसरो है, जिसका अब मॉडर्न नेम डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसरो को डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम जानते हैं। मैं आपको मोशन ऑफ सैटेलाइट में उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, यहाँ पर मैं रॉकेट पर बेस्ड आपसे थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मोशन ऑफ सैटेलाइट के चैप्टर में पूरा डिटेल में मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गठन से लेके थोड़ा स्टोरी उसका बताऊंगा। मैं यहाँ पर रॉकेट पर बात करूँ तो इसरो हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर PSLV GSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यही रॉकेट है। लॉन्च व्हीकल मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला वाहन, व्हीकल मतलब। तो पोलर सैटेलाइट, सैटेलाइट के टू टाइप्स हैं अपने पास, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो मैं सैटेलाइट के चैप्टर में आपको समझाऊंगा। ये दोनों रॉकेट के टाइप हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि रॉकेट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इसलिए अलग अलग स्टेज के होते हैं और यहाँ पर हम सैटेलाइट को इसमें स्थापित करके रखते हैं। रॉकेट जैसे लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट का काम है सैटेलाइट को ऊपर लेके जाना और उसके एक एक स्टेज ब्रेक होकर टूटते जाते हैं। जैसे ऊपर जाते जाएगा तो ये स्टेज, फिर ये स्टेज, ये स्टेज, और इस तरह से रॉकेट जब लास्ट ऑर्बिटल में जाता है तो सैटेलाइट को अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ एक बार घुमा देता है और सैटेलाइट को वह इस प्रकार से ऑर्बिटल में छोड़ के लास्ट स्टेज भी गिर जाता है और सैटेलाइट फील क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वो परिक्रमा करने लगता है। तो ये क्यों करता है, कैसे करता है, हमारा स्पेशल चैप्टर है उसके लिए, इसलिए मैं इस चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हम मोशन ऑफ सैटेलाइट के चैप्टर में उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया रॉकेट का पर्पस कि रॉकेट किस काम में आता है। रॉकेट का काम है सैटेलाइट को अर्थ से ले जाना, व्हीकल है वो,
व्हीकल है ये, वी फॉर व्हीकल, और ले जाके उसको अपने कक्षा में स्थापित करना, और वो रास्ते में एक एक स्टेज टूट के गिरते जाता है। रॉकेट का जो सेल होता है, जो कवर उसका होता है, वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है कि एक एक स्टेज जब वो टूट के गिरता है तो एस बन जाता है, राख बन जाता है और एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाता है। कभी कभार छोटा मोटा टुकड़ा कभी आके पृथ्वी में दिखाई देता है, अदरवाइज क्या होता है वो रास्ते में समाप्त हो जाता है। क्लियर, ये हो गया कि रॉकेट क्या है। यहाँ पर हमको पढ़ना है रॉकेट नोदन का गणितीय गणना, उस पर जो डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये हमको पढ़ना है। बाकी हम सैटेलाइट पर आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में, सैटेलाइट के चैप्टर पर। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मैं आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाते समय बता चुका हूं कि रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके कार्य करने का जो प्रिंसिपल है वह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये आप ध्यान रखना कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दैट मीन्स यदि किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल शून्य हो तो उस पिंड का संवेग सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ये कहलाता है क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम इसके सिद्धांत पर बात करें तो इससे पहले कि हम सिद्धांत को समझें, मैं आपको इसके थ्री स्टेज पर डिस्कस करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। एक मैं रॉकेट का इनिशियल स्टेज आपको बताया, ये सपोज रॉकेट का मैं सिंबॉलिक फिगर बना रहा हूँ, यह इसका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट पोजिशन पर है, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसका फर्स्ट पोजिशन। और इस पोजिशन पर सपोज इसका जो मास है एम नाट है, एम नाट इसका मास है, एक बार बड़ी राइटिंग से लिख दूँ इसको मैं एम नाट, और इसका जो वेग है वो सपोज वी नाट है। अभी यह रेस्ट कंडीशन में है, ये रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है। अभी रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा है, उसको लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड स्टेज। सपोज अब रॉकेट को इग्नाइट किया गया, लॉन्च किया गया, और इस तरह से इसको फायर करने से रॉकेट से क्या होगा, ये गैस बाहर निकलना स्टार्ट होगा इस तरह से। अब रॉकेट उड़ने लगा ऊपर की ओर, और इसका वेलोसिटी सपोज अभी वी है, और रॉकेट का अब द्रव्यमान सपोज एम है। ये है टी इक्वल टू जीरो समय पर, और ये है टी इक्वल टू टी समय पर। टी इक्वल टू टी समय मतलब आफ्टर टी टाइम, टाइम क्या होगा टी। ये जीरो स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज पर रॉकेट अभी खड़ा है, टी समय तक रॉकेट को हमने उड़ाया, और टी समय पश्चात इसका वेग भी हो गया सपोज, और द्रव्यमान एम नाट से घट के एम हो गया। घट के क्यों, क्योंकि गैस बाहर निकल रहा है। ये क्या है, इसका सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज। और हम इसके थर्ड स्टेज की बात करें तो सपोज अब रॉकेट को हमने एक स्मॉल इंटरवल के लिए, इसके बाद ये वाला स्टेज, इसके बाद ये वाला स्टेज, तो यहाँ पर जो गैस, इस तरह से गैस हम बाहर निकाल रहे हैं, और गैस निकलने का वेग सपोज वी जी है, गैस का वेग सपोज वी जी है। क्लियर, वी जी वेग से हम जी फॉर गैस। और यहाँ पर अब सपोज टी को हम स्मॉल इंटरवल डी टी लेते हैं, तो टी इक्वल टू टी प्लस डी टी समय पर, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में समय हमने कितना बढ़ा दिया, डी टी। अब नेचुरली आप देखो कि जब हम डी टी समय पश्चात इसके मास पर बात करेंगे, तो चूंकि गैस बाहर निकल रहा है तो इसका द्रव्यमान, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेज टूट के गिरते भी जाता है तो द्रव्यमान उसका घटते जाता है, तो सपोज उसका द्रव्यमान घटने का जो दर है वो डी एम है, तो इसका मास हो जाएगा एम माइनस डी एम। ये आप ध्यान रखना, एम माइनस डी एम। और वेलोसिटी जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाते जाते हैं, द्रव्यमान घटते जाता है और वेग बढ़ते जाता है, ये हो गया वी प्लस डी वी, ये इसका वेग हो गया, और वी जी क्या है, गैस का वेग है। अब यहाँ पर इस तीनों स्टेज को एक बार आप ध्यान से समझो, क्योंकि इसी पर पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में रॉकेट रेस्ट कंडीशन में है, मतलब टी बराबर शून्य समय पर अभी रॉकेट लॉन्च नहीं किया गया है,
और एम नॉट इसका प्रारंभिक द्रव्यमान है। यहाँ पर एम नॉट ध्यान में रखना रॉकेट धन उसमें भरे हुए ईंधन का द्रव्यमान है, रॉकेट का खुद का द्रव्यमान और उसमें जो ईंधन भरा हुआ है, फ्यूल जो भरा हुआ है, वो दोनों का द्रव्यमान है टी जीरो समय पर। और वेलोसिटी वी नॉट है, दैट मीन्स वी नॉट क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि अभी रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन हमने उसको वी नॉट माना है। अब रॉकेट टी समय तक उड़ा, टी बराबर टी समय, मतलब अब हमने रॉकेट को टी समय तक उड़ाया, तो उसके बाद हमने देखा तो उसका वेग क्या हो चुका है, वी नॉट से वी हो चुका है और द्रव्यमान एम नॉट से बदल के क्या हो चुका है, एम हो चुका है। अब इसके बाद ये वाला जो थर्ड कंडीशन है वो स्मॉल इंटरवल डी टी के लिए है, ये डी टी मतलब बहुत छोटे समय अंतराल के लिए हम यदि अध्ययन करें तो टाइम टी प्लस डी टी हो गया और इसका वेग वी से बढ़कर वी प्लस डी वी हो गया और इसका मास घटते जा रहा है तो एम माइनस डी एम हो गया। और यहाँ पर वी जी क्या है, ये बाहर निकलने वाले गैस का वेग है, लेकिन रॉकेट का वेग और गैस का वेग का सापेक्षिक वेग या उसका रिलेटिव वेलोसिटी को हम यू मान लेते हैं, आगे कैलकुलेशन में अपन उसका यूज़ करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, यहाँ तीन चीज़ों का गणना करेंगे, हम रॉकेट पर त्वरण की गणना करेंगे, हम रॉकेट पर प्रणोद जो बल होता है उसकी गणना करेंगे और तीसरा हम रॉकेट के वेग की गणना करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप त्वरण की गणना करने के लिए सबसे पहले हम देखें संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ये जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत मैं लिखा हूँ, इस सिद्धांत को हम यहाँ पर यूज करें तो रॉकेट का संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन क्या होता है, रॉकेट का जो संवेग परिवर्तन है वह गैस के संवेग परिवर्तन के बराबर होगा, गैस के संवेग में परिवर्तन, यह आप ध्यान रखना, रॉकेट का संवेग परिवर्तन गैस के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संवेग में परिवर्तन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो संवेग में परिवर्तन कांस्टेंट होता है। तो यहां पर रॉकेट के संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, देखो वेग में परिवर्तन क्या है, वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, वी प्लस डी वी और माइनस वी। क्लियर? और तो डी वी प्लस डी वी माइनस वी कितना हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। और मास, संवेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्लियर? यहाँ पर तो मास कितना हो गया इसका, एम माइनस डी एम, इसके बाद एम माइनस डी एम इसका मास में संवेग में द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। और वेग में परिवर्तन कितना है, वी प्लस डी वी, तो द्रव्यमान गुणित वेग, एम माइनस डी एम क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन द्रव्यमान है और वी प्लस डी वी इसका वेग है, तो द्रव्यमान गुणित वेग इसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। दैट इक्वल यहाँ पर हम देखते हैं तो गैस के संवेग परिवर्तन, तो गैस का द्रव्यमान डी एम है और यहाँ पर हम मान लेते हैं यू, यू को क्या मान लेते हैं अपन, सापेक्षिक वेग, किसका सापेक्ष वेग, गैस का सापेक्ष वेग, किसके सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष, क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है और गैस नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पर साइन को ले लेंगे क्या, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये रॉकेट के संवेग में परिवर्तन गैस के संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम सॉल्व कर दें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एम वी माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वी इंटू डी एम ये होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस एम इंटू डी वी, और ये माइनस हो जाएगा माइनस डी एम इंटू डी वी, दैट इक्वल माइनस डी एम इंटू यू। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको सेपरेट करें तो क्या होगा, यहाँ पर एक बार ध्यान देना, रॉकेट का संवेग परिवर्तन, ये u वेरिएबल को आप ध्यान रखना, यहाँ पर u वास्तव में वेग में परिवर्तन है जिसको मैंने u मान लिया है डायरेक्ट, एक्चुअल में ये जो u है ये क्या है, v माइनस vg के इक्वल है, v माइनस vg के इक्वल है। कैसे होगा, ये v ऊपर की ओर वेग है और vg नीचे की ओर वेग है, तो रॉकेट के सापेक्ष जो गैस का वेग है उसको हमने क्या मान लिया है, u मान लिया है। और यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है वो रॉकेट का द्रव्यमान है
कब? डी टी समय पश्चात। तो यहाँ पर माइनस क्यों है ध्यान रखना, पहले उसका द्रव्यमान एम था, सबसे पहले एम नॉट था, फिर कुछ गैस निकला एम हो गया, फिर कुछ गैस निकला एम माइनस डी एम हो गया, और तब उसके वेग में परिवर्तन कितना आया, ये उसके वेग में परिवर्तन होगा, सॉरी वी प्लस डी वी बाद का वेग, यहाँ पर माइनस भी होगा वेग में परिवर्तन ना, तो माइनस भी होगा। देखो वेग में परिवर्तन, समय परिवर्तन बोल रहे हैं तो वेग में परिवर्तन भी हम लिखेंगे। तो ये हो गया वी प्लस डी वी बाद का वेग, उसके ठीक पहले का वेग क्या है वी, तो अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। वैसे यहाँ पर जो यू लिखा गया है वास्तव में यू को मेरे को लिखना चाहिए वी माइनस वी जी, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी होता है करके हमने सीधा यू लिख लिया, और आप कंसीडर में माना कि मैं लिख लेंगे कि जहाँ पर यू राकेट के सापेक्ष गैस का वेग है, ये ध्यान में रखना ना, यू वेरिएबल कन्फ्यूज नहीं होना, यू क्या है करके, यू क्या है राकेट के सापेक्ष गैस का वेग, सापेक्ष वेग खाली गैस का वेग नहीं है, गैस का वेग तो वी जी है, गैस वी जी वेग से नीचे जा रहा है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी, आपको मैं गति के नियम में आपको पढ़ाया था सरल रेखीय गति में कि सापेक्ष वेग का मतलब क्या होता है, एक के सापेक्ष दूसरे का वेग, तो ये सापेक्ष वेग है, दैट इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करें। अच्छा यहाँ पर ये तो फिर वी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला स्टेप चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ वेग में परिवर्तन लिखना है ध्यान रखना, तो डी भी बस बचेगा, तो हो जाएगा एम इंटू डी भी, इसके साथ में इसका गुणा होगा तो, और माइनस डी एम इंटू डी भी इक्वल, इसको मैं इधर लिख दूँ, माइनस यू इंटू डी एम, दैट इम्प्लाइज। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ये स्मॉल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डी एम छोटी राशि है, डी भी बहुत छोटी राशि है, तो दो छोटी राशि का गुणा होने के बाद वो और छोटी हो जाती है, तो इसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू डी वी इक्वल माइनस यू इंटू डी एम, इसको आप दो रिलेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसी रिलेशन पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका ये है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से राकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन, क्लियर। तो ये राकेट का संवेग ये निकल गया, अब आगे हम इसकी सहायता से पहला टॉपिक कैलकुलेशन करते हैं, वो है त्वरण। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं किसका, त्वरण का। तो त्वरण के कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम त्वरण के फॉर्म में अब चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, तो डी भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू और अपान एम इंटू डी एम, दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड में हम क्या करते हैं डी टी को डिवाइड कर देते हैं, समय का भाग दे देते हैं, तो यह हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल माइनस यू अपॉन एम इंटू डी एम अपॉन डी टी, ये हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया टी का भाग दे दिया, दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर आप देखो कि यह डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस U अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी, ये हो जाएगा राकेट के त्वरण का फार्मूला। देखो इसमें हम बहुत से फार्मूला डिराइव करेंगे, एग्जाम में आपके टीचर जहाँ तक पूछते हैं वहाँ तक आपको निकालना है, और ये फार्मूला आपको लर्न करते जाना है न्यूमेरिकल के लिए। यदि हमारा क्वेश्चन हो कि राकेट नोदन क्या है, राकेट के त्वरण की गणना कीजिए, तो यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक इक्वेशन ये है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करने के बाद मैं आपको इसके आगे का, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थ्री फार्मूला कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसके प्रणोद बल की, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, आप एक बार इसको देख लीजिए, हो गया। देखिए अपन अब सेकंड कैलकुलेशन करते हैं इसके प्रणोद के लिए, इस फार्मूला का हमको बार बार जरूरत पड़ेगा, तो ये फार्मूला मैं इक्वेशन फर्स्ट को लिख के रख देता हूँ, इसका हमको जरूरत पड़ेगा क्योंकि पूरा कैलकुलेशन इक्वेशन फर्स्ट पर बेस्ड है। एम डी वी इक्वल माइनस यू डी एम, रिलेशन नंबर फर्स्ट। त्वरण के बाद हम गणना करते हैं प्रणोद, सेकंड कैलकुलेशन प्रणोद, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है थ्रस्ट,
प्रणोद एक तरह का बल है, प्रणोद बल है, और ये किस तरह का बल है देखिए, जैसे रॉकेट से गैस बाहर निकलता है इस तरह से, तो नीचे पृथ्वी पर ऊपर की ओर रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रणोद एक तरह का दाब है, दबाव है। जैसे यदि मैं अपने अंगूठे से हथेली को दबाऊं तो हथेली से मेरे अंगूठे पर भी एक रिवर्स डायरेक्शन फोर्स लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल लगता है रॉकेट के, इसी कारण रॉकेट क्या होता है आगे उड़ पाता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम गुब्बारे में हवा भर लें, रॉकेट के एक्चुअल में आपको मैं एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो बच्चों के खेल खेल में आप समझ सकते हैं, कि गुब्बारे में हम हवा भरने के बाद जब गुब्बारा फैल जाता है तो उसको पकड़ के बचपन में आप खेले होंगे, अभी भी करते होंगे, ऐसा आप छोड़ दो तो गुब्बारा तेज़ी से बाहर आगे की ओर बढ़ने लगता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है रॉकेट नोदन का या रॉकेट को ऊपर उड़ने का। जिस तरह से गुब्बारे से हवा जब बाहर निकलता है तो गुब्बारा आगे की ओर भागता है, ये आपने देखा होगा, उसी तरह से रॉकेट से गैस जब बाहर निकलता है तो वहां पर प्रणोद बल लगता है। वही बल क्या करता है, प्रतिक्रिया के स्वरूप रॉकेट को ऊपर ले जाता है। तो हमको यहाँ पर प्रणोद बल की गणना करना है। प्रणोद एक प्रकार का फोर्स है, तो वो भी इसी फार्मूला से डिराइव होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी का भाग दे देते हैं फिर, तो एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू इंटू डी एम अपॉन डी टी। दैट इम्प्लाइज ये त्वरण है, तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। और दैट इम्प्लाइज न्यूटन के नियम से बल द्रव्यमान गुणित त्वरण को हम क्या कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। ये होता है प्रणोद बल। यहाँ पर ये जो माइनस साइन बार बार आ रहा है ये सिर्फ प्रतिक्रिया बल को प्रदर्शित कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या प्रतिक्रिया बल है, न्यूटन थर्ड लॉ से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया बल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रणोद। तो सबसे पहले हमने त्वरण निकाला, फिर निकाला प्रणोद, इसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं। ये भी आपको यदि लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। वैसे नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा डिले हो सकता है 11th का नोट्स, लेकिन आपको PDF उसका मिलेगा। तो एक बार इसको देख लीजिए फिर अपन पढ़ते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, किसी क्षण पर रॉकेट का वेग। किसी क्षण मतलब यदि हम लगातार ऊपर उड़ते हुए रॉकेट के किसी टाइम पर यदि हम वेग जानना चाहें तो उसका वेग क्या होगा। ये थर्ड नंबर का कैलकुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, किसी क्षण पर रॉकेट का वेग। किसी क्षण पर रॉकेट का वेग, ये थर्ड कैलकुलेशन। देखिए एग्जाम में जो आपको पूछेगा वही निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट सबके लिए कंपलसरी है, इक्वेशन फर्स्ट के बेस पर ही आपका त्वरण निकलेगा, इक्वेशन फर्स्ट के बेस पर ही प्रणोद निकलेगा, और इक्वेशन फर्स्ट के बेस पर ही रॉकेट का वेग निकलेगा। इसलिए आपको इक्वेशन फर्स्ट के बाद जो पूछा जाएगा वही निकालना है, सब पूछा जाएगा सब निकालेंगे। तो किसी क्षण पर रॉकेट का वेग निकालने के लिए पुनः इसका यूज करते हैं, और देयरफॉर एक्स है, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, एम को उधर ट्रांसफर कर दें तो डी भी इक्वल हो जाएगा माइनस यू अपॉन एम इंटू डी एम। बहुत आसान कैलकुलेशन है, बस स्टेप आपको समझते जाना है। अब हमको वेग का गणना करना है, तो डी भी है तो इसका क्या किया जाए, समाकलन किया जाए। तो समाकलन करने पर इस समीकरण का हम यदि दोनों पक्षों का समाकलन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यू अपॉन एम डीएम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो रॉकेट का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, वी नॉट है, ये हो जाएगा वी नॉट, और अंतिम वेग क्या है, वी। उसी तरह रॉकेट का जो प्रारंभिक द्रव्यमान है उड़ने से पहले एम नॉट है, और अंतिम वेग क्या है, द्रव्यमान क्या है, सॉरी द्रव्यमान ना, प्रारंभिक द्रव्यमान एम नॉट और अंतिम द्रव्यमान एम है। तो दोनों तरफ लिमिट लगा दिए, प्रारंभिक वेग यहाँ पर चित्र में देखो आप, जब इसका वेग वी नॉट था तो द्रव्यमान क्या था, एम नॉट था ये, और यहाँ पर देखो जब उसका वेग भी हो गया तो द्रव्यमान क्या हो गया, एम हो गया।
मतलब लिमिट हम उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं जिस कंडीशन में उसमें चेंजेस आ रहे हैं। दैट इंप्लाइज इसको आगे सॉल्व किया जाए तो डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा और अपर लिमिट वी नॉट वी दैट इक्वल माइनस यू को हम कॉमन कर लेते हैं क्योंकि माइनस यू कांस्टेंट है और वन अपॉन एम डी एम का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। इस फार्मूला से वन अपॉन एम डी एम का इंटीग्रेशन, जैसे वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, उसी तरह से वन अपॉन एम डी एम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एम हो जाएगा, एक्स वहां है यहां तो एम है। दैट इंप्लाइज अब लिमिट रखने का फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस यू, यहां पर भी लिमिट लिखना भूल गए ना, एम नॉट एम, अपर लिमिट क्या है अपने पास एम, तो यहां पर हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एम नॉट। क्लियर यहां तक? तो ये हमने अपर लिमिट रखा और माइनस लोअर लिमिट, जो कि इंटीग्रेशन में लिमिट रखने का फार्मूला है। आगे हम इसको सॉल्व करें, देखिए दैट इंप्लाइज वी माइनस वी नॉट इक्वल, यहां पर माइनस साइन का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से यू अंडर ब्रैकेट ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग एम नॉट माइनस लॉग एम। क्लियर यहां तक हो जाएगा? दैट इंप्लाइज वी माइनस वी नॉट इक्वल टू यू लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन का लॉग में फार्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन, तो हो जाएगा लॉग एम नॉट अपॉन एम। दैट इंप्लाइज इसको उधर ट्रांसफर कर दें, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट अपॉन एम। ये रॉकेट का वेग का फार्मूला है और जैसा कि हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि यदि वी नॉट क्या हो, जीरो हो, मतलब अभी क्या हो, रॉकेट रेस्ट कंडीशन हो, लॉन्च पैड में खड़ा है, यहाँ पर अभी रॉकेट उड़ नहीं रहा है, मतलब वी नॉट का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो वी नॉट के वैल्यू को हम यहाँ पर जीरो पुट कर दें तो वी इक्वल टू हो जाएगा यू लॉग एम नॉट अपॉन एम। ये है रॉकेट के वेग का फार्मूला। तो यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमने तीन कैलकुलेशन किया, रॉकेट के त्वरण का कैलकुलेशन किया, फिर रॉकेट के प्रणोद का कैलकुलेशन किया, फिर रॉकेट के वेग का। कई बार कई बुक में कई राइटर इसका कैलकुलेशन अलग अलग स्टेप पर करते हैं, पहले वेग निकाल लेते हैं, फिर उसका त्वरण निकालते हैं, फिर प्रणोद निकालते हैं। मैं इजी से डिफ़िकल्ट किया हूँ, मतलब ये इक्वेशन तो मैं आपको बोला कंपलसरी है, ये आप देखो इसी इक्वेशन से सारा काम हो रहा है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, डिफिकल्ट मत समझना कैलकुलेशन को, क्योंकि सर तो इतना लंबा डिफिकल्ट कैलकुलेशन कराए, स्टेप बाय स्टेप दो बार बोर्ड रब किए, कुछ लेंदी नहीं, आप स्टेप्स को पकड़ो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाओ और रिलेशन फर्स्ट बनाओ। इसी रिलेशन में डी वी बाई डी टी करेंगे त्वरण निकलेगा, इसी रिलेशन में यहाँ पर एम को रख के डी वी बाई डी करेंगे उसको बल लिखेंगे तो प्रणोद निकलेगा, और इसी रिलेशन में डी वी को अकेले लेफ्ट साइड में छोड़ के समाकलन करेंगे तो वेग निकलेगा। मतलब रिलेशन फर्स्ट से ही तीनों फार्मूला डिराइव होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार आप ले लीजिए ये कैलकुलेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं 11th का भी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, कई लोग आप कमेंट्स में लिखते हैं सर पीडीएफ सर नोट्स, लेकिन 11th का थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि पहले मैं 12th का कंप्लीट कर दूं, फिर इमीडिएट तुरंत आपको 11th का करके जिस पार्ट के लेक्चर को आप सुनोगे वीडियो देखोगे उसी पार्ट के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स भी आपको मिलेगा, फिलहाल आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? हो गया। अब हम इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको मैं, और इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो है लिफ्ट, लिफ्ट की गति या लिफ्ट में गति। लिफ्ट तो एलिवेटर, आप लोगों ने सब लोगों ने लिफ्ट तो नाम सुना होगा,
मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, ऊंचे बिल्डिंग में या कहीं पर भी टावर वगैरह में ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, है ना। तो लिफ्ट में जब हम मोशन करते हैं तो कितने तरह से हम उसके मोशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर इसकी पढ़ाई करेंगे। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिफ्ट जब मोशन करता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। जनरली हम अपने डेली लाइफ में जो लिफ्ट यूज़ करते हैं उसमें हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, यहाँ पर उसको टेक्निकल स्टडी करते हैं अपन। तो लिफ्ट की गति, ये प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल भी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी। लिफ्ट की गति, यहाँ पर इमेजिन करिए कि सपोज ये कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट का कोई कंपार्टमेंट है उसका, और इस लिफ्ट में सपोज एक आदमी इस तरह से खड़ा हुआ है, क्लियर। ये सपोज कोई आदमी है, ये आप आदमी इमेज कर लीजिए, ये आदमी लिफ्ट में खड़ा है। अब लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिफ्ट रोप वायर पर होता है, ऊपर मोटर लगा होता है, रोप वायर के इस तरह से मोशन करने से वो ऊपर या नीचे जाता है, आपने वर्किंग करते उसको देखा होगा, या माल वगैरह में तो ग्लास में आपको पूरा सिस्टम दिखता है, तो इस तरह से लिफ्ट को आपने ऊपर नीचे जाते हुए देखा होगा। यहाँ पर हम सपोज ये जो आदमी है उसके भार को जो कि mg होगा, ये mg मान लिया, ये आदमी का रियल वेट है जो कि mg है, और लिफ्ट सपोज अभी पहला कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं, पहला जब लिफ्ट क्या है, नीचे की ओर गति करे। दो कंडीशन में पढ़ेंगे अपन, एक बार नीचे की ओर गति, फिर ऊपर की ओर। अभी हमारा लिफ्ट नीचे आ रहा है, क्लियर। तो लिफ्ट का जो त्वरण है, नीचे आने का जो त्वरण है लिफ्ट का, वो सपोज ए है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा इस पर एफ, वो हो जाएगा एम इंटू ए, और ये उसका भार है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और भार के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगता है आर, क्योंकि हमको मालूम है कि भार अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, भार एक्चुअल में क्या है, प्रतिक्रिया बल है। भार का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज मेरा जो भार है, सपोज मैं 70 kg का हूँ, तो मैं यदि किसी वेइंग मशीन पर, किसी भार मापने वाली मशीन पर खड़ा होता हूँ, तो मैं उस मशीन पर 70 kg का बल लगाऊंगा और मशीन मुझ पर 70 kg का प्रतिक्रिया बल लगाएगा। वो इस तरह की बात होती है, थोड़ा इसको समझ लो तभी आप समझ पाओगे। यहाँ कोई पिंड है, ये अपने भार के बराबर, सपोज 70 kg का वेट इसने नीचे लगाया, तो ये जो फ्लोर है प्रतिक्रिया बल के स्वरूप आर इक्वल टू 70 kg का बल ऊपर लगाएगा। तो हम लोग क्या होता है, जनरली अपने डेली लाइफ में क्या कहते हैं कि वजन मापने वाली मशीन हमारा वजन बता रहा है, हमारा वजन नहीं बता रहा है। यदि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो मशीन हमारा वजन नहीं बता रहा है, मशीन ये बता रहा है कि मैं इस आदमी पर कितना प्रतिक्रिया बल लगा रहा हूँ, और चूंकि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, मैं इस पर 70 kg लगाया तो वो भी 70 kg लगाया, दैट मीन्स मशीन मेरा भार नहीं अपनी प्रतिक्रिया बल को बता रहा है जो कि वास्तव में मेरा भार होता है। यदि मेरा भार 70 kg होता तो चंद्रमा में जाके भी 70 kg का होता, लेकिन वहाँ पर उतना प्रतिक्रिया बल नहीं लगता। स्पेस में भी 70 kg होता लेकिन वहाँ पर वेट जीरो हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हमको प्रतिक्रिया बल नहीं मिलता। तो वास्तव में किसी पिंड का भार उसका भार नहीं, उस पर लगा हुआ प्रतिक्रिया बल है। तो यहाँ पर यह जो mg है वो बराबर किसके है, r के। तो r ऊपर लग रहा है और f क्या है, नीचे लग रहा है। ये मैं एरो लगा दिया, एरो से आप समझना, नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर जो आदमी है या जो पिंड है उसका जो आभासी भार है, आभासी भार जिसको मैं w डैश कह दिया, तो w डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस एम ए, आर ऊपर और f नीचे, R माइनस एफ लिख दिया। दैट इंप्लाइज W डैश इक्वल टू R क्या है, प्रतिक्रिया बल के बराबर है, मतलब किसके बराबर है, mg के, और माइनस F किसके बराबर है, ma के बराबर है। दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सॉल्व कर लें तो W डैश इक्वल टू m को कॉमन कर लें तो हो जाएगा g माइनस a। ये क्या हो जाएगा, उस आदमी का आभासी भार होगा। मतलब लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी यदि नीचे आ रहा हो लिफ्ट के साथ और लिफ्ट का त्वरण ए हो तो उसके भार में कमी हो जाएगी क्योंकि एम जी उसका वास्तविक भार है और ये उसमें माइनस हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, भार में कमी होता है।
ये बात आप समझना, यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, भार में कमी। ये लिफ्ट के भार में कमी हो गया पहले केस में, सॉरी आदमी के भार में कमी हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस हो रहे हैं। अब इस पर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं स्पेशल, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। पहला कंडीशन मैंने बताया कि लिफ्ट यदि नीचे की ओर गति कर रहा हो ए त्वरण से, तो उसका जो आभासी भार है वह उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है, दैट मीन्स भार में क्या आती है, कमी आती है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंपॉर्टेंट हिसाब से ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपन देखते हैं कि यदि ए इक्वल टू जी हो, यदि ए इक्वल टू जी हो, यहाँ पर कंडीशन को देखना, ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी का मतलब क्या हुआ कि जितना गुरुत्वीय त्वरण है उतने ही त्वरण से लिफ्ट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब लिफ्ट का त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण समान है। तो उस कंडीशन में डब्ल्यू डैश इक्वल, इस कंडीशन में देखो ए जब जी के बराबर हो जाए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा एम और जी माइनस जी जो कि जीरो हो जाएगा, ये हो गया डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश जीरो, मतलब ये हो जाएगा भारहीनता की कंडीशन, भारहीनता का कंडीशन हो जाएगा। क्या सेंस निकला इससे कि यदि कोई लिफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे आ रहा हो तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा, मतलब भारहीनता की वो स्थिति महसूस करेगा। इसमें एक बार आईआईटी में अभी 2-3 साल पहले के क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन था, इसको थोड़ा घुमा के पूछा था कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान ये है, ये बहुत सारा कंडीशन दिया और बोला वो लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, यदि अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति का भार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो रस्सी के टूट जाने का मतलब क्या बोल रहा है वो, जैसे मैं इसको पकड़ा हूँ और ये नीचे मैं ला रहा हूँ और इसको मैं छोड़ दूँ तो कितने त्वरण से नीचे गिरेगा, गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगा, मतलब रस्सी के ब्रेक होने का मतलब है कि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने लगा, और हर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने वाले पिंड का जो त्वरण होता है वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। मतलब यदि लिफ्ट की रस्सी, उसका जो रोप वायर है वो टूट जाए तो लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने लगेगा, और उसके स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने के कारण उसका जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा और वो भारहीनता की स्थिति में आएगा, मतलब उसमें बैठा व्यक्ति भारहीनता की स्थिति महसूस करेगा, उसका भार शून्य हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सेकंड नंबर के केस में देखो, सपोज ए ग्रेटर देन जी हो जाए, एक कंडीशन थोड़ा ध्यान से समझना, ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत हाई लेवल का डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि पिंड का जो त्वरण है वह, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाए। तो आप इस सूत्र को देखो, यदि ए का मान जी से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये राशि बड़ी ये राशि छोटी हो जाएगी, तो डब्ल्यू डैश ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक होने का मतलब क्या है कि पिंड का जो भार है उसमें बैठे व्यक्ति का जो भार है शून्य से भी कम हो गया, और जब किसी का भार शून्य से कम हो जाता है तो वो क्या होता है, उड़ने लगता है ऊपर। मतलब यदि कोई लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के त्वरण से भी ज़्यादा त्वरण से नीचे गिरने लगे तो उसमें बैठा व्यक्ति फ्लोर से ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उड़ते उड़ते जाके छत से चिपक जाएगा। ये कैसी बात है, जैसे मेरे हथेली को, ये एक पॉइंट बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि सर कैसे ऐसे होगा, तो यहाँ ध्यान से समझो, मेरी हथेली को आप लिफ्ट का सरफेस मान लो और ये मार्कर को आप वो आदमी मान लो जो उसमें बैठा है। अब दोनों एक साथ आ रहे हैं, अब ये लिफ्ट मारे मेरी हथेली यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाले पिंड से भी ज़्यादा वेग त्वरण से नीचे गिरने लगे, मतलब मेरे हथेली के त्वरण को मैं जी से ज़्यादा कर दूं तो नीचे आ जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि दोनों कोई बेल्ट से रस्सी से बंधे तो है नहीं, स्वतंत्र हैं, तो ये तेज़ी से ऊपर उठने लगेगा, आदमी उससे अलग हो जाएगा, ऊपर जाके छत से चिपक जाएगा। तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कंडीशंस हैं, इसलिए मैं इसको स्पेशल केस करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट में आपको मैंने क्या बताया कि यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से भी ज़्यादा हो तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति वो फ्लोर से ऊपर हवा में उड़ने लगेगा और छत में जाके चिपक जाएगा। क्लियर, ये हो गया थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन,
आप में से कई लोग इतना पढ़ाते हुए आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं तो ना तो हमको भार में कमी महसूस हुआ कभी, क्योंकि मैंने बता दिया कि लिफ्ट जब नीचे जाता है तो भार में कमी होती है। तो आप बोल रहे होंगे कि हमको भार में कमी भी महसूस नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि हम भारहीनता की स्थिति में भी कभी नहीं आए, भार जीरो भी नहीं हुआ और छत में चिपकने वाला तो कभी हुआ ही नहीं, तो फिर हम कैसे लिफ्ट में यूज़ करते हैं? ये डाउट तो आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए। तो एक्चुअल में हम ये जो कंडीशन पड़ रहे हैं किसी लिफ्ट में, हम लोग अपने डेली लाइफ में जो लिफ्ट यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट अलग है। कैसे? देखो, थर्ड देखो, यदि वी क्या हो, नियत हो, माने लिफ्ट का जो वेग है लिफ्ट नियत वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि नीचे उतर रहा है, नियत वेग आप समझ गए, समान समय में समान दूरी तय करता है, तो नियत वेग से। और आपको पता है कि जब किसी पिंड का वेग नियत हो तो त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं और वेग में हम कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे, वेग तो नियत है, तो उस समय त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर हम यदि त्वरण को शून्य कर दें तो उस कंडीशन में डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू डैश क्या है? आभासी भार है और एम जी क्या है? वास्तविक भार है। मतलब आदमी का जो आभासी भार है वो उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। जैसे मैं 70 केजी का हूँ और मेरा वास्तविक भार है और मेरा आभासी भार भी, मतलब मैं तो भार में कमी महसूस करूँगा ना वृद्धि महसूस करूँगा। ये लिफ्ट हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हम जो लिफ्ट यूज़ करते हैं वास्तव में उसका वेग क्या होता है? नियत। मतलब उसको मोटर से ऐसा फिट किया गया है कि आपने महसूस किया कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है, इसलिए हम लोग को अपने वेट में, अपने वजन में कोई कमी या वृद्धि महसूस नहीं होती। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने वाला लिफ्ट है और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट केस है। मैं इस पर डिटेल डिस्कस आपको इसलिए कर रहा हूँ, दो वजह है। पहला तो ये कि इस कॉन्सेप्ट पर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं हमेशा। दूसरा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट पर बेस्ड मंकी वाले क्वेश्चन, एक मंकी एक अभी मैं आपको कराऊंगा तो बताऊंगा। वैसे देखिए न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपको एनसीईआरटी का करा रहा हूँ, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर जब मैं एंट्री करूंगा न्यूमेरिकल्स में IIT JEE और नीट को लेके, तो इतने मज़ेदार न्यूमेरिकल्स हैं आपको कि वहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहला काम है आपको बेस क्लियर करना। आप इमेजिन करो कि मेरा ये वीडियो कोई ढंग से नहीं देखा, कोई इसको ढंग से नहीं समझा और इस पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स लाऊं, आपको कैसे समझ में आएगा? इसलिए बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कि सर IIT की तैयारी कैसे करें। भैया IIT की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, या नीट की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पहले आप अपने फाउंडेशन क्लास को स्ट्रांग करिए। यदि आपको लिफ्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप न्यूमेरिकल्स कभी इमेजिन नहीं कर सकते, आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला काम है फाउंडेशन स्ट्रांग करना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन में, नीचे की ओर गति पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं ऊपर की ओर गति। ऊपर की ओर गति या ऊपर की दिशा में गति, मतलब हमारा लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। ऊपर की ओर यदि हम गति देखें तो यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके सीधा सीधा कंडीशन है। अब हमारा लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर सपोज ये इसको आदमी समझ लो आप, इसका भार नीचे है mg, लेकिन इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर होगा क्योंकि भार के विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है। तो यहाँ पर देखो इसका जो अपरेंट वेट होगा w डैश, तो यहाँ पर जो बल है ऊपर लगने वाला बल त्वरण a है, यहाँ पर लिख दिया मैं त्वरण a है, तो ऊपर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा m into a। तो भार की भी दिशा ऊपर और इसकी भी दिशा ऊपर, तो हो जाएगा R प्लस F, दैट इम्प्लाइज W डैश इक्वल टू R क्या है अपने पास mg है और ये क्या है ma, दैट इम्प्लाइज ये आसान है, m को कॉमन कर लिया तो g प्लस a या a प्लस g। मतलब यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रहा हो तो भार में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस कंडीशन में भार में वृद्धि होती है क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं तो भार बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ये कंडीशन है, कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा, यदि भी क्या हो, नियत हो, जो मैं अपने डेली लाइफ के लिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ए जीरो होगा और डब्ल्यू डैश उस कंडीशन में ए जीरो से कहेगा एम जी। मतलब यदि लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए,
चाहे लिफ्ट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, यदि उसका वेग नियत है तो दोनों कंडीशन में, नीचे जाने के भी कंडीशन में और ऊपर जाने के कंडीशन में भी वेग उसके भार में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, मान उसका त्वरण शून्य नहीं है, तो भार में क्या होगी? वृद्धि। तो कॉमन कॉन्सेप्ट यह है कि यदि कोई लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जाए तो भार में कमी महसूस होगा, ये उसके कंडीशंस हैं। और यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाए, ये एरो को देखो ऊपर जाए, तो क्या होगी? भार में वृद्धि होगी। ये इसके दो कंडीशन हैं। क्लियर? इस तरीके से ये लिफ्ट को मैंने आपको पढ़ाया, इसको बहुत ध्यान समझिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, रॉकेट नोदन और लिफ्ट में किसी व्यक्ति की गति या लिफ्ट की गति, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, और जब इस पर निमर्कस मैं कराऊंगा तो एक बार मैं आपको और याद दिला दूंगा। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देख के, पूरा लर्न करके, पूरा सीख के, पूरे फार्मूला को याद करके फिर आप निमर्कल में एंट्री करेंगे। ओके, थैंक यू।